हाय गाइस, मैं मोहन सुथार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी हमारे बिजनेस के अंदर हम कितने टाइप की बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूज करते हैं और उन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से वाउचर यूज करते हैं और वो वाउचर बनते कैसे हैं। गाइस, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल वाउचर ऐसे भी होते हैं जो आपने कभी वीडियो के अंदर कभी देखा भी नहीं है और कभी बुक्स के अंदर पढ़ा भी नहीं है। तो गाइज, अगर आप फ्रेशर हो या हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो गाइज, शुरू करते हैं आज की हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। गाइज, हमारे बिजनेस में तीन प्रकार की बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, कौन कौन सी इसको हम थोड़ा समझते हैं। कैसे, सबसे पहला होता है बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना और बैंक से कैश विड्रॉल करना। सेकंड ट्रांजैक्शन हम यूज करते हैं जो होती है हमारे बैंक द्वारा भुगतान करना और बैंक द्वारा पैसा प्राप्त करना। और तीसरी जो ट्रांजैक्शन हमारी होती है बैंक टू बैंक, यानी कि एक बैंक में से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। तो गाइज, अब हम इसको विस्तार से थोड़ा समझते हैं। तो गाइज, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ दोनों अलग अलग टाइप के वाउचर है। तो गाइज, एक के अंदर होता है कि जब हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भी बैंक को हम डेबिट करते हैं और कैश को हम क्रेडिट करते हैं। और जब बैंक से हम कैश निकलवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम कैश को तो वापस डेबिट कर देते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो गाइज, अब ये डेबिट और क्रेडिट को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर हमने गोडल के रूल को डेबिट क्रेडिट के साथ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको इस वीडियो में समझने में कोई ज्यादा परेशानी ना हो। तो गाइज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी पेमेंट और रिसिप्ट। गाइज, हम देखो, जब हम किसी को बैंक द्वारा भुगतान करते हैं हम दो टाइप से भुगतान कर सकते हैं, एक तो हम चेक दे सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन। तो गाइज, ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमने किसी पार्टी को नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI पे के थ्रू या गूगल पे या पेटीएम के थ्रू किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के रूप में जब किसी को भुगतान करते हैं तो वो हमारी नेट बैंकिंग ऑनलाइन ही मानी जाती है। दूसरा, अगर हम मैनुअली अगर पेमेंट देना चाहें तो उसको चेक के थ्रू हम उसकी पेमेंट दे सकते हैं। तो गाइज, जब हम पेमेंट की दो कंडीशन होती है तो सेम हमारी रिसिप्ट की भी सेम ही कंडीशन होती है। तो गाइज, अब यहाँ पे देखें कि जब बैंक द्वारा किसी को पार्टी को भुगतान करने पर क्या होता है, गाइज हम पार्टी को तो कर देते हैं डेबिट और बैंक को करते हैं क्रेडिट। तो गाइज देखो, जब हम पार्टी को भुगतान कर रहे हैं चाहे हम उसको नगद दे रहे हैं तो भी हम पार्टी को डेबिट करेंगे, अगर हम बैंक के द्वारा अगर भुगतान कर रहे हैं तो भी हम पार्टी को ही डेबिट करेंगे। अगर हम नगद दे रहे हैं तो बैंक की जगह कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हम बैंक के द्वारा दे रहे हैं तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइज, सेम ही प्रोसेस हमारा हमारे कस्टमर पे भी लागू होता है। जैसे आज हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा है और उसने उसे भुगतान है जो नगद देने की बजाय उसने भी हमारे खाते में चेक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। तो गाइज, सेम वही प्रोसेस, अब बैंक को तो हम वापस करेंगे डेबिट क्योंकि पैसा हमारा नगद ना आने के बजाय बैंक में जा रहा है, तो बैंक को डेबिट करेंगे और पैसे देने वाले कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे। गाइज, अगर अब कस्टमर अगर हमें नगद दे के जाएगा तो भी हम उसको क्रेडिट ही करेंगे, अगर वो हमें चेक दे के जा रहा है या हमारे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है तो भी हम उसको क्रेडिट ही करेंगे। तो गाइज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी बैंक टू बैंक। अब बैंक टू बैंक के अंदर क्या होता है, भी दोनों कंडीशन के अंदर बैंक अकाउंट्स हैं वो हमारी कंपनी के ही होने चाहिए। हमारी कंपनी मीन्स जैसे हमारी फर्म हम लेके चल रहे हैं श्री श्याम ट्रेडर्स। अब हमारे श्री श्याम ट्रेडर्स के अंदर एक तो हमने HDFC बैंक के अंदर हमारा खाता ओपन है और दूसरा हमारा PNB बैंक के अंदर भी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी हमने खाता खुलवा रखा है। तो हमने HDFC में से पैसा ट्रांसफर करके PNB बैंक में ले गए या PNB से ट्रांसफर करके HDFC में ले गए, तो हमारे जो आपसी बैंकिंग के जो खाते हैं उनमें जो ट्रांजैक्शन होती रहती है वो हमारी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है। तो गाइज, ये थी एक सिंपल सी परिभाषा, अब हम इसको अच्छी तरीके से एग्जांपल ओरिजिनल वाउचर के साथ इसको समझते हैं। तो गाइज, सबसे पहला वाउचर हमारे सामने ये है। अब ये वाउचर हमारा बैंक में पैसा जमा करवाने का, यानी कि कैश डिपॉजिट। तो गाइज, हमने लिखा है कैश डिपॉजिट है HDFC बैंक। तो गाइज, आपके पास भी किसी भी बैंक में खाता होगा तो आप भी किसी खाते में बैंक में जब कैश जमा करवाने जाते हैं तो अपने को कैश डिपॉजिट स्लिप जमा करवानी होती है, ये इस टाइप की स्लिप हमें भरनी होती है।
तो इसके अंदर गाइज हमारे फर्म का नाम यहाँ पे आ गया श्री श्याम ट्रेडर्स, ये हमारे फर्म का अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये हमारी डेट है और हम कितने रुपए जमा करवा रहे हैं इसकी डिटेल यहाँ पे भर दी जाती है। तो गाइज ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये जो स्लिप है, अब ये स्लिप गाइज यहाँ पे होती है, इसके अंदर एक पार्ट से जो बैंकिंग खुद रख लेते हैं और दूसरा ये जो पार्ट है ये बड़ा हमारा पार्ट है, अभी इसके अंदर बैंक हमें स्लिप लगा के या अपनी मोर लगा के हमें दे देता है। तो गैज अब इस वाउचर से हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा, अब गैज इसके अंदर देखो हमने भी कैश यहाँ पे हमने पैसों की गिनती काउंट करके हम लोग बनाए भी 2,000 वाले 10 नोट है, इसका मतलब 20,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवाए हैं। तो गैज जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो पैसा हमारे बिजनेस से जाता है और जब पैसा हमारे बिजनेस से जाता है तो हम कैश को तो करेंगे क्रेडिट, तो फिर कैश को लेने वाला कौन है, HDFC, तो HDFC बैंक को हम करेंगे डेबिट। तो गैज इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गैज आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखेंगे उसके अंदर लिखा होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये गैज उस किस कंडीशन में होता है वो चीज़ें, अगर हमारे सामने किसी भी टाइप का कोई वाउचर नहीं है और आपने को सिर्फ एक चीज़ वर्ड बोला जाए भी बैंक में 20,000 रुपये जमा करवाए, तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमारे सामने किसी भी चीज़ का ओरिजिनल वाउचर अगर हमारे सामने है तो उस कंडीशन में उस वाउचर को साथ में हमेशा यूज करना चाहिए। जैसे हमको पता है मैंने HDFC बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया है तो हमें पूरा वर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी एंट्री थी बैंक के अंदर कैश जमा करवाने की, जब हमें नगद जमा करवाने तो हमें किस टाइप का वाउचर यूज करना होता है, ये हमारी भुगतान करने का हमने लिखा हुआ है पेमेंट टू राम एंटरप्राइजेस 12,000 बाई HDFC बैंक। गाइज हमारी एक पार्टी है राम एंटरप्राइजेज जिसे हम गुड्स सेल्स करते हैं हमारे बिजनेस का, तो उस कंडीशन में हमने उसको 12,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। तो गाइज जब हमने भुगतान करेंगे तो हम पे टू के अंदर जो पार्टी पेमेंट लेने वाली होती है यानी कि जिस पार्टी को हम भुगतान कर रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे टू के अंदर लिखा जाता है। अब इसका मतलब पे टू मतलब इसको पे कर रहे हैं, अब पे करने वाला कौन है तो उसका नाम यहाँ पे होता है, अब पे करने वाला कौन है श्री श्याम ट्रेडर, यानी कि अब श्री श्याम ट्रेडर्स किसकी बुक्स है, हमारी खुद की बुक्स है। तो अब हमारी बुक्स के अंदर इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि हमने राम एंटरप्राइजेस को 12,000 रुपये का HDFC बैंक द्वारा भुगतान किया है। तो गाइज अब इसकी एंट्री हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, राम एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। अब पेमेंट लेने वाले को तो हम डेबिट करेंगे, चाहे उसको अगर नगद भी देंगे तो भी इसको हम डेबिट करेंगे, हम चाहे उसको चेक के द्वारा दे रहे हैं तो भी इसको डेबिट करेंगे, चाहे वो उसके खाते में ऑनलाइन डिपॉजिट करवा रहे हैं तो भी इसको डेबिट करेंगे, अब पार्टी डेबिट हो जाएगी। अगर हम नगद नहीं दे रहे इसका मतलब चेक दे रहे हैं तो चेक की कंडीशन में कौन से बैंक का चेक जा रहा है HDFC का, तो हम HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो गाइस इस टाइप का कंफ्यूजन मत रखना, राम एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू श्री श्याम ट्रेडर्स, कहीं मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था और अब भी आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो हमारी बुक्स के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे हम सामान बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं चाहे किसी को पेमेंट ले रहे हैं किसी से पेमेंट ले रहे हैं, तो हमारी बिजनेस के अंदर हमारी बुक्स के अंदर हमारी फर्म का नाम कभी यूज नहीं होता, ये एक विशेष हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश कुमार 1,000 ऑफ SBI बैंक, हम मुकेश कुमार हमारा कस्टमर है तो उसने मुकेश कुमार ने हमको 1,000 रुपये का भुगतान किया है चेक के द्वारा। अब उसने कौन से बैंक का चेक दिया है SBI बैंक का, अब कैसे पता चलेगा भी मुकेश कुमार ने चेक दिया है, गाइज यहाँ पे देखो भी जो भी चेक देने वाला होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे देखो 2,4 मुकेश कुमार, इसका मतलब मुकेश कुमार चेक देने वाला किसको दे रहे हैं श्री श्याम ट्रेडर्स को, उसका नाम उसने पे टू के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुकेश कुमार ने श्री श्याम ट्रेडर्स को 1,000 रुपये का चेक दिया है, कौन से बैंक का SBI बैंक का। अब श्री श्याम ट्रेडर्स हमारी फर्म है तो अब हमारी फर्म के अंदर हमारी इसकी क्या लैंग्वेज बनेगी, भी मुकेश कुमार से 1,000 रुपये का चेक हमें मिला है। तो गाइस अब इस यहाँ पे भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी भी उसने तो चेक दिया SBI बैंक का, यानी कि मुकेश कुमार ने SBI बैंक का चेक दिया है और हमारे बिजनेस के अंदर यानी कि श्री श्याम ट्रेडर्स के अंदर SBI बैंक के अंदर खाता ही नहीं है, हमारा जो खाता हुआ है HDFC बैंक के अंदर, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो गाइज
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारी जो HDFC बैंक की जो स्लिप होती है ये हम स्लिप भरते हैं, और इसके का आगे का जो पार्ट है, यहाँ से इसके आगे का जो पार्ट है वो स्लिप भर के, और ये जो चेक है इस चेक को साथ स्टेपल करके हम HDFC बैंक में जाके क्लियरिंग में डाल देते हैं। इसका पैसा हमें नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा, HDFC अकाउंट के अंदर। तो गाइज अब हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा, ये जो वाउचर है ये हमारे पास रहता है, क्योंकि इसके आगे की जो स्लिप का जो पार्ट है वो तो बैंक में चला गया। अब हमारे को रिकॉर्ड रखने के लिए, हमें भी एंट्री करने के लिए हमें भी रिकॉर्ड चाहिए, तो ये रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। अब इसके अंदर गाइस देखो भी चेक यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक देने वाली कौन सा बैंक है। अब इसके अंदर बैंक के अंदर हमने नाम लिखा हुआ, तो गाइस ये जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक बुक डिटेल, मी बैंक की डिटेल, कौन सा बैंक का चेक है, यानी कि SBI बैंक का। अब SBI बैंक कैसे पता चलेगा, यहाँ से हमने SBI बैंक का चेक है, और यहाँ पर आ जाएगा चेक नंबर भी, कितने नंबर चेक जमा करा रहे हो, तो ये चेक नंबर का यहाँ लिखा होता है, जिसने मेरे को इतने नंबर चेक दिया है और कितने अमाउंट का दिया है ये हमको यहाँ से पता चल ही जाएगा, ये अमाउंट यहाँ पे बदलेंगे। तो गाइज अब इसकी लैंग्वेज हमारी बुक से बन गई, हमने मुकेश कुमार से 1,000 रुपये का चेक मिला है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट। तो गाइज हम HDFC बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। HDFC क्यों करेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास नगद आने की बजाय ये पैसा हमारा HDFC बैंक में गया है, यानी कि अब हमारे बिजनेस में केस बढ़ने की बजाय हमारा HDFC का बैंक बैलेंस बढ़ गया। अगर कोई हमारे बिजनेस के अंदर सामान बढ़ता तो हम गुड्स को डेबिट करते हैं, कैश बढ़ता तो कैश को भी डेबिट करते हैं, अगर बैंक बैलेंस बढ़ता तो बैंक को भी डेबिट करते हैं, टू मुकेश कुमार यानी कि देने वाले को फिर क्रेडिट करेंगे। भाई जी अगर हमें नगद दे के जाता तो भी हम इसके क्रेडिट ही करते, अब इसने चेक दे दिया तो भी इसके क्रेडिट ही करेंगे, और नरेशन में इसका चेक नंबर आ जाएगा। तो ये थी हमारी चेक के द्वारा पैसा प्राप्त करने का वाउचर, वो ये है वी पे टू विकास सन ऑफ राजू अगेंस्ट शॉप रेंट 1,000 भाई HDFC बैंक चेक। गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो इस चीज को ध्यान से समझना, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो लेकिन आपकी प्रैक्टिकल मजबूत नहीं है तो भी आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि इस चीज़ के अंदर काफ़ी टेक्निकल इश्यू आएगा। तो गाइज अब यहाँ पे मैंने लिखा है शॉप रेंट, किसको दिया है, विकासन ऑफ राजू को। तो गाइज आपने बहुत सारे वीडियो के अंदर देखा होगा या आपने कॉमर्स की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा भी शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। गाइज रियल प्रैक्टिकल के अंदर ये एंट्री एक्चुअल में होती नहीं है। एक्चुअल में एंट्री इसकी क्या बनेगी, जब हम किसी को चाहे गोदाम का किराया, चाहे हमें को दुकान का किराया, चाहे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, चाहे किसी को मजदूरी दे रहे हैं, बैंक के द्वारा चेक के द्वारा अगर उसका भुगतान कर रहे हैं तो हमेशा उस पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विकास सन ऑफ राजू, अब विकास सन ऑफ राजू कौन है, ये जो जिस हमारी जो शॉप है उसका शॉप के प्रॉपर्टी का मालिक है। अब प्रॉपर्टी का कल ये आप कहेंगे भी राजेश कुमार मालिक है, राजेश कुमार तो हमारे श्री श्याम ट्रेडर्स के बिजनेस का कैपिटल अकाउंट है, वो हमारे बिजनेस का मालिक है। शॉप का मालिक, दुकान हमारी किराए पे ली है, जो दुकान का जो मालिक है वो है विकास सन ऑफ राजू। तो गाइज अगर हम उसको चेक देंगे तो यहाँ पे हम शॉप रेंट नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको चेक भुगतान कर रहे हैं विकास सन ऑफ राजू। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, पे टू के अंदर सैलरी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसको हम सैलरी दे रहे हैं। या किसी को मजदूरी दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई वेजेज या किसी लेबर का वर्ड यूज नहीं होएगा, बल्कि उस व्यक्ति का नाम वर्ड यूज होएगा जिसको हम भुगतान कर रहे हैं। तो गाइज भुगतान करने वाला कौन हो गया, श्री श्याम ट्रेडर्स, इसका मतलब इस पार्टी ने इस पार्टी को भुगतान किया है। तो गाइज अब इसकी जर्नल एंट्री हमारी बुक्स के अंदर क्या बनेगी, विकास सन ऑफ राजू अकाउंट डेबिट टू HDFC, क्योंकि हम HDFC बैंक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं, हमारे कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अगर हम नगद देते तो इसका मतलब हमारा केस कम हो रहा है, उस कंडीशन में केस आ जाता। अब हमारे सामने चेक का ये वाउचर है, ओरिजिनल वाउचर है, तो इसका मतलब हम HDFC बैंक को ही क्रेडिट करेंगे। तो गाइज अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा भी अगर हम विकास कुमार सन ऑफ राजू को डेबिट कर दें तो इसका खाता डेबिट होता रहेगा। गाइज आज इस कंडीशन में बिल्कुल अभी तक ये डेबिट है, लेकिन मंथ एंड पे हम इसकी एक रिवर्स एंट्री होती है। तो गाइज रिवर्स एंट्री के अंदर क्या चीज आता है, रिवर्स एंट्री के अंदर हम इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भी, उस कंडीशन में हम शॉप रेंट को तो कर देंगे डेबिट और
टू के अंदर वापिस हमें वापिस इसकी जो जर्नल एंट्री जो बनेगी हमारी, विकास सन ऑफ राजू, इसको वापिस क्रेडिट कर देंगे। ये हर मंथ पे एंड पे होता है, जी आप सैलरी दे रहे हो तो आप मंथ एंड पे आप ये सेम एंट्री सैलरी की भी करोगे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वाउचर है डेबिट नोट। तो गाइज अब अगर हमने किसी को चेक के थ्रू भुगतान किया तब तो हमारे पास चेक का वाउचर है, लेकिन काफ़ी कंडीशन के अंदर, कुछ कंडीशन के अंदर ऐसी भी होती है हमने उसको चेक देने की बजाय हमने उसके खाते में डायरेक्ट हमारे मोबाइल से ही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो मोबाइल से सीधा ट्रांसफ़र कर दिया तो गाइज उसका कोई प्रिंट आउट या उसका वाउचर तो अभी हमें कोई मिला ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे फर्म का यानी हमारे बिजनेस का एक वाउचर बनता है डेबिट नोट, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मेड वाउचर, यानी कि एक ऐसा वाउचर जिसके अगेंस्ट के अंदर हमें कोई भी किसी भी टाइप का अगर कोई वाउचर नहीं मिलता हो तो उस कंडीशन में ये वाउचर हमारे द्वारा खुद के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। तो गाइज हमने क्या किया, ये बैंक के मतलब उसकी जो ट्रांजेक्शन उसके खाते में जो ट्रांजेक्शन करी थी हमने हमारे मोबाइल के यानी कि फोन पे या किसी भी गूगल पे से या पेटीएम के थ्रू ही भुगतान कर दिया। तो गाइज इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये हमारा जो डेबिट नोट है ये हम खुद तैयार कर लेंगे। इसमें लिखा है पेमेंट टू राम एंटरप्राइजेस और बाय कैश है या बैंकिंग, तो हमने बैंकिंग पे टिक कर रखा, इसका मतलब ये बैंक के द्वारा भुगतान किया है। और जब हम बैंक के द्वारा भुगतान करते हैं तो हमारे पास एक बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है मोबाइल पे, और उसका जैसे जो भी यूटीआर नंबर वगैरह होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो गाइज इसका मतलब भी सेम एंट्री ट्रांजेक्शन इसकी भी वही बनेगी जो चेक के थ्रू बनती है, इसके अंदर भी वही जाएगा राम एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। गाइज ये एक तरीके से ऑनलाइन भुगतान हो गया, और जो चेक के थ्रू देते हैं वो एक तरीके से मैनुअल टाइप का भुगतान हो गया। फर्क कुछ नहीं है, दोनों कंडीशन के अंदर पैसा हमारा बैंक में से ही डिडक्ट हो रहा है और उसी पार्टी के अकाउंट में जा रहा है। तो गाइज ये होता है अगर हम चेक के थ्रू ना देने के बजाय अगर हम ऑनलाइन वगैरह भुगतान करते हैं तो ये हमारे फर्म का यानी हमारे बिजनेस का खुद का एक डेबिट नोट हम तैयार कर लेते हैं। तो गाइज सेम इसी तरीके से हम कोई कस्टमर ऐसा है जिसने हमको चेक देने की बजाय उसने हमारे खाते के अंदर डायरेक्ट ही पैसा ट्रांसफर कर दिया किसी भी ऐप से, चाहे पेटीएम गूगल पे से चाहे नेट बैंकिंग से, तो गाइज उसने पैसा ट्रांसफर करके हमें फ़ोन कर दिया भी भाई साहब हमने आपके खाते के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस का क्रेडिट नोट वाउचर तैयार करेंगे। जब हमने किसी को पेमेंट दिया था तब हमने डेबिट नोट वाउचर यूज किया था, और अब हम क्रेडिट नोट वाउचर यूज करेंगे। गाइज अब किसका क्रेडिट नोट है ये हमेशा इसी फर्म का पता चलेगा, हमारे से फर्म है श्री श्याम ट्रेडर्स, ये फर्म हमारी खुद की हम लेके चल रहे हैं। तो क्रेडिट नोट का मतलब जमा पत्र, हम जमा किसके करेंगे, मुकेश कुमार के। तो गाइज मुकेश कुमार के हम करेंगे रिसीव्ड प्रो मुकेश कुमार। अब हमें देखना है भी क्या चीज़ है, ये नगद है या बैंक के थ्रू। तो गाइज हमने बैंक के थ्रू दिया तो हमने जो हमारे मोबाइल पे जो मैसेज आएगा बैंक का जो UTR नंबर है वो हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करके और इसका एक वाउचर तैयार कर देंगे और ये बैंकिंग पे टिक हो जाएगा। तो गाइज इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब ये पैसा हमारे बिजनेस के अंदर केवल अभी HDFC बैंक का एक लेजर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश कुमार। गाइज ये सेम वही एंट्री होगी अगर अब मुकेश कुमार हमें चेक दे के जाता, जो एंट्री बननी थी वो भी इसी एंट्री से बननी है अगर उसने हमारे खाते में लिखा है पेमेंट रिसीव डायरेक्ट इन HDFC बैंक, भी मेरे पास कोई चेक नहीं आया, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर पेमेंट हुई है। तो गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।